हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्सगा। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनास फातिमा। मैंने अपनी इब्तदाई तालीम जो हासिल की है वो हासिल की है जामिया अहसनुल बनात मुरादाबाद से। उसके बाद एमए की डिग्री और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा सुन्नी दीनियात से, यानी फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी। मैं आप लोगों को ये बात बताना ज़रूरी समझती हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा सुन्नी दीनियात में दीगर मजाहिब की भी तालीम दी जाती है, जिसमें हिंदू मत, बुद्ध मत, सिख मत, जैन मत, क्रिश्चियनिटी वगैरह शामिल हैं। और मेरा फ़र्ज़ बनता है आप तक नॉलेज को पहुंचाना। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं एएमयू उर्दू डिपार्टमेंट के एंट्रेंस पेपर सन 2022 और 23 को लेकर हाजिर हुई हूँ, ताकि आप लोगों को सॉल्व करा सकूँ और आपको एंट्रेंस में तैयारी करने में आसानी हो। आइए बिला ताखिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, माहिर लिसानियात ने हिंद आर्याई जबानों के इर्तका को कितने अदवार में तकसीम किया है? माहिर लिसानियात ने हिंद आर्याई जबानों के इर्तका को 3 अदवार में तकसीम किया है, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 2 कौन सा है? मसूद हुसैन खान के मुताबिक हिंदुस्तान में आर्यों का दाखिला कब हुआ था? तो मसूद हुसैन खान के मुताबिक जो हिंदुस्तान में आर्यों का दाखिला जो हुआ था वो हुआ था 1500 काफ मीम यानी कबल मसीह, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 3, गुलिस्तान सादी का उर्दू तर्जुमा बाग उर्दू के नाम से किसने किया है? बाग उर्दू के नाम से जो तर्जुमा किया है वो किया है मीर शेर अली अफसोस ने, तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 4 कौन सा है? करबल कथा किस किताब का उर्दू तर्जुमा है? करबल कथा जो तर्जुमा है वो है रौजतुश शहादा का, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 5, सबरस का सन्ने तालीफ क्या है? तो सबरस का जो सन्ने तालीफ है वो है 1635, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 6, शहजादा जाने आलम के वालिद का नाम क्या है? शहजादा जाने आलम के वालिद का नाम क्या है? फिरोज बख्त, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 7, सबरस की नसर कैसी है? तो सबरस की जो नसर है वो क्या है? मुकफ़ा, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 8, नेरंगे ख्याल किसके मजामीन का मजमुआ है? नेरंगे ख्याल जो है वो मजमुआ है मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मजामीन का, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 9, गालिब को हैवान ज़रीफ किसने कहा है? तो गालिब को जो हैवान ज़रीफ कहा है वो कहा है अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। इससे पहले जो वीडियो अपलोड की है तो उसमें सवाल नंबर 28 था, गालिब को हैवान ज़रीफ किसने कहा है, तो उसमें जवाब जो है वो गलत हो गया है, तो आप लोग उसको सही कर लें। उसका सही जवाब है अल्ताफ हुसैन हाली। इसी तरह से आप सवाल नंबर 29 भी सही कर लीजिएगा। मैंने इन दोनों के सही जवाब पिन कर दिए हैं, प्लीज़ आप लोग सही कर लें, इसके लिए मैं माजरत खा हूँ। आइए देखिए अगला सवाल क्या है। सवाल नंबर 10, शिबली ने सर सैयद की खिदमत के किस पहलू की तहसीन की है? तो शिबली ने सर सैयद की खिदमत के जिस पहलू की तहसीन की है वो है अदबी खिदमत, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 11, इनमें से बलागत की कौन सी तारीफ सही है? यानी ये जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें बलागत की कौन सी तारीफ सही है? तो इनमें बलागत की तारीफ जो सही है वो ये है, कलाम इक्तिज़ाए हाल के मुताबिक सरफी व नहवी गलतियों से पाक हो, ताक़ीद लफ्ज़ी व मानवी से आरी हो, तो इसको क्या कहेंगे? बलागत कहेंगे, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। बुए गुल नालाए दिल दूदे चराग महफिल जो तेरी बज्म से निकला सो परेशान निकला, इस शेर में किस सनत का इस्तेमाल हुआ है? तो इस शेर में जो सनत का इस्तेमाल हुआ है वो है तशाबो, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 13, इस्तियारे के सिलसिले में दर्ज ज़ेल बयानात में से कौन सा बयान दुरुस्त है, यानी कौन सा बयान सही है? तो इस्तियारा का जो ताल्लुक है वो मजाज से है और ये शेर का जौहर है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 14, वक्त पीरी शबाब की बातें ऐसी हैं जैसे ख्वाब की बातें, इस शेर में मुशब्बा और मुशब्बा बही की निशानदेही कीजिए, यानी इसमें मुशब्बा और मुशब्बा बही को पहचानिए, तो इसमें शबाब की जो बातें हैं वो मुशब्बा हैं
और ख्वाब की बातें क्या हैं? मुशब्बा भी। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। मुशब्बा और मुशब्बा भी किसको कहते हैं? मुशब्बा कहते हैं जिसकी तशबी दी जाए, और मुशब्बा भी कहते हैं जिससे तशबी दी जाए। यानी इस शेर में ये बताया गया है कि जवानी की जो बातें होती हैं वो जल्दी गुजर जाती हैं, यानी फौरन गुजर जाती हैं, यानी वो एक ख्वाब की मानिंद होती हैं। सवाल नंबर 15। एक रोशन दिमाग था न रहा, शहर में एक चिराग था न रहा। इस शेर में इस्तियारा की निशानदेही कीजिए, यानी इस शेर में इस्तियारा को पहचानिए। तो इस शेर में इस्तियारा जो है वो है रोशन दिमाग और चिराग, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 16। इस्लाही जबान से मुतालिक कवायद व जवाबित किसने मुरत्तब किए, यानी किसने तरतीब दी है? तो वो है शाह हातिम, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 17। आब हयात में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू शायरी की तारीख को कितने अदवार में तकसीम किया है? तो वो अदवार हैं 5, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 18। शायरी के लिए सादगी, असलियत और जोश को किस नाकिद ने ज़रूरी करार दिया है? तो वो नाकिद हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 19। शिबली ने महाकात से किस तसनीफ में बहस की है? तो वो है शेरुल आजम, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 20। उर्दू में नावल निगारी का आगाज कब हुआ था? उर्दू में नावल निगारी का आगाज जो हुआ था वो हुआ था 19वीं सदी में, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 21। जांगलूस किसका नावल है? तो जांगलूस जो नावल है उसके राइटर जो है वो है शौकत हयात, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 22। जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न आए वो जवानी देखी। इस शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ है? तो इस शेर में जो सनत इस्तेमाल की गई है वो है तजाद, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि जवानी और बुढ़ापा जो है वो दोनों मुतजाद वर्ड हैं, यानी आपस में एक दूसरे की जिद हैं, अपोजिट हैं। सवाल नंबर 23 कौन सा है? नज्म अलबेली सुबह के खालिक कौन है? तो नज्म अलबेली सुबह के जो खालिक हैं वो हैं जोश मलिहाबादी, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 24। दर्ज ज़ेल में से अख्तरुल ईमान की नज्म कौन सी है? तो इन चारों में से जो अख्तरुल ईमान की नज्म है वो है मस्जिद, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 25 कौन सा है? खातम भी बदल गया बदजात, किस सिंफ शायरी का ये मिसरा है? तो ये जो मिसरा है ये मिसरा है मसनवी का, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 26। आह ए जिब्रील तू वाकिफ नहीं इस राज से, कर गया सरमस्त मुझको टूट कर मेरा सुबू। इस शेर में कौन सी सनत है? इस शेर में जो सनत है वो है तलमी, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। और तलमी की तारीख क्या है मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। सवाल नंबर 27। मरसिया गालिब किस शायर की तख्लीक है? मरसिया गालिब जो तख्लीक है वो है हाली की, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। ये जो मरसिया है ये मौलाना हाली का मशहूर मरसिया है, ये उन्होंने अपने उस्ताज मिर्जा गालिब मरहूम की वफात पर लिखा था। सवाल नंबर 28 कौन सा है? जदीदियत की फलसफियाना असास किसकी तसनीफ है? तो ये तसनीफ जो है वो है शमीम हनफी की, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 29। नज्म जदीद की करवटें, इसका मुसन्निफ कौन है? तो इसका जो मुसन्निफ है वो है वजीर आगा, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 30। दर्ज ज़ेल शेर में कौन सी सनात है? कश्ती मिस्कीन जान पाक वो दीवारे यतीम, इल्म मूसा भी तेरे सामने हैरत फरोश। तो इस शेर में कौन सी सनत है? शेर में जो सनत है वो है तलमी, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड की है उसमें मैं तलमी की तारीफ बता चुकी हूँ, तो आइए एक बार फिर बता देती हूँ। तलमी उस सनत को कहते हैं जिसमें शायर किसी भी तारीखी वाकया, पुरानी आयात व हदीस या वाकये की तरफ इशारा करे, उसको कहेंगे तलमी। तो इस शेर में शायर ने मूसा अलैहिस्सलाम और खिज्र अलैहिस्सलाम के वाकये की तरफ इशारा किया है जो कि सूरह कहफ में मौजूद है। सवाल नंबर 31। जागी मुर्गे सहर के गुल से, उठी नखत सी फर्श गुल से,
दर्जे बाला शेर यानी ये जो शेर है किस किरदार का जिक्र कर रहा है? तो इसमें जो जिक्र है वो है बकावली का, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 32, माहे तलत का किरदार किस दास्तान में आया है? तो माहे तलत का जो किरदार आया है वो आया है फसाना ए अजाइब में, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 34, सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल किसकी मसनवी है? तो ये मसनवी है गवासी की, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। नंबर 35 कौन सा है? उर्दू की नसरी दास्ताने का मुसन्निफ कौन है? तो उर्दू की नसरी दास्ताने के जो मुसन्निफ हैं वो हैं ज्ञानचंद जैन, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। मैंने जो आज की इस वीडियो में जो पेपर सॉल्व कराया है वो कराया है सन 2022 और 23 का। इससे पहले वीडियो में जो मैंने सॉल्व कराए थे क्वेश्चंस वो थे सन 2023 और 24 के, और ये है सन 2022 और 23 का। इसमें जो मैंने टोटल क्वेश्चंस सॉल्व कराए हैं वो है 35। इसके अलावा इस पेपर के जो बाकी क्वेश्चन बाकी रह गए हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी, और मैं इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को ख़त्म करूंगी कि आप लोग आज का पेपर अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को हमारी इन तमाम वीडियोस से थोड़ा सा भी फ़ायदा हो रहा हो तो आप लोग हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और गलती होने की सूरत में मेरी इसलाह ज़रूर करें आप लोग, और अपना फीडबैक याद से ज़रूर दें। मुझे आप लोगों के फीडबैक का शिद्दत से इंतज़ार रहता है। और लास्ट में मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी आप लोगों से कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर विज़िट करते हैं और मेरी वीडियोस देखने के लिए आते हैं तो आप लोग प्लीज़ क्लिक करके उसका CTR कम ना करें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे रूबरू होंगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।